हाय एवरीवन, चलिए अब बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ जजेस की. सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू द चैनल और बाय चांस हैव जस्ट लैंडेड ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो, काइंडली चेक दैट वी आर डूइंग इट इनटू अ सीरीज. हम काफ़ी वीडियोस, आई थिंक इट्स मोर देन 150 दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. सो आपको सारे लेक्चर्स देखने होंगे बिकॉज हम एक सीक्वेंस में काम कर रहे हैं. देर हैज़ बीन रीजन्स द वे आई हैव अरेंज द लेसन्स इन. सो शायद रैंडम आप रिविजन के लिए यूज़ कर सकते हो इफ़ यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द टॉपिक, बट वॉज सम न्यू टू द सब्जेक्ट काइंडली डू इट इन अ सीक्वेंस. एनी वेज, नाउ विल कंटिन्यू विद द ट्रांसफर ऑफ जजेस. तो जब हम, अच्छा ये आपको ध्यान रखना है कि दिस इज़ ओनली फॉर द हाई कोर्ट जजेस, और ये आपको समझ भी आना चाहिए क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के जज के कहाँ ही ट्रांसफ़र करेंगे. सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, तो हम हाई कोर्ट के ही जजेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना, फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर. सो देयरफॉर वी हैव दिस टॉपिक. नाउ द ट्रांसफर ऑफ द जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हैपन्स बाई द प्रेसिडेंट. तो आपको बार बार याद रखना है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट हैं हाई कोर्ट जजेस के केस में. रिमूवल के लिए जो रेजिग्नेशन भी जाना है वो भी यहीं इन्हीं को देना है, और अगर ट्रांसफ़र ऑर्डर भी आएगा तो यहीं से आएगा. बट दैट हैपन्स आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ CJI. ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अगर आप जजेस, जैसे हाई कोर्ट जजेस, उनको जब ट्रांसफ़र किया जाएगा सो दे आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द कंपनसेटरी अलाउंस एंड सैलरी डिटरमाइंड बाई द पार्लियामेंट. थोड़ा कॉम्पेंसेशन के लिए जो भी डिटरमाइन किया जाएगा पार्लियामेंट द्वारा वो दिया जाएगा. अब इसमें भी थोड़ा प्रोसेस रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो विल जस्ट अंडरस्टैंड इट. 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस किया जाएगा दैट विल हैपन ओनली एज एन एक्सेप्शनल मेजर इन द पब्लिक इंटरेस्ट. मतलब आप हमेशा यूँ कभी भी ऐसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो जब ट्रांसफ़र होगा वो बहुत ही एक्सेप्शनल मेजर होगा कि कुछ बहुत एक्चुअल में ज़रूरत हो रही है तभी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं. एंड दैट टू, दैट हैज़ टू बी डन इन द पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट बाय वे ऑफ पनिशमेंट. तो आपको किसी को पनिश करने के लिए ट्रांसफ़र नहीं करना है. पर अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ किसी पर्टिकुलर जज की किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट में ज़रूरत पड़ सकती है फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, देन ओनली यू विल ट्रांसफ़र. ऐसा डिसीजन रहा 1994 में. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, दैट जुडिशियल रिव्यू इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेक द आर्बिट्रेरीनेस इन द ट्रांसफ़र ऑफ जजेस. तो अगर ट्रांसफ़र होता है तो उसके मैटर को चेक भी किया जा सकता है कि वो आर्बिट्रेरी तो नहीं था, रैंडम तो नहीं था. तो इसीलिए जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है. जुडिशियरी जो है वो, मतलब कोर्ट्स जो है वो उस चीज़ को ध्यान दे सकती है. ओनली द जजेस हु इज़ ट्रांसफर्ड कैन चैलेंज इट. बट ऑफकोर्स ऐसा तो नहीं कि रैंडम कोई भी चैलेंज करेगा, क्योंकि अगर आर्बिट्ररी हुआ है तो जिस जज को किया जा रहा है ट्रांसफ़र, उनको अगर ऐसा कुछ लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है और आई एम यू नो बीइंग पनिश्ड बाय दिस वे ऑफ ट्रांसफ़र, क्योंकि ऑर्डर तो पहले ही आ गया कि पनिशमेंट के लिए नहीं करना है, जस्ट फॉर पब्लिक इंटरेस्ट करना है. तो अगर जिस जज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है अगर उनको ऐसा कुछ लगेगा, देन वो चैलेंज कर सकते हैं एंड द जुडिशियल रिव्यू विल हैपन. एंड देन इन 1998 इन द थर्ड जजेस केस विच यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट, वी हैव डन दिस टॉपिक अर्लियर, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, दैट CJI शुड कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ टू हाई कोर्ट्स. यहाँ तो CJI इन्वॉल्व है ही ना, प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा लेकिन कंसल्टेशन तो CJI का लगेगा ही लगेगा. तो अब CJI को भी दो जजेस के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा. वो दो जजेस कौन होंगे, वो होंगे दो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस. और वो दो हाई कोर्ट कौन होगा, एक जहाँ से उस जज को ट्रांसफ़र, क्योंकि ट्रांसफ़र किया जाएगा हाई कोर्ट वन से ट्रांसफ़र किया जाएगा हाई कोर्ट टू, तो इस हाई कोर्ट के भी कोई चीफ जस्टिस होंगे, इसके भी होंगे. उन दोनों चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना होगा CJI को, इन एडिशन टू द कोलिजियम ऑफ द फोर सीनियर मोस्ट जजेस. तो वो चार वाला सीनियर मोस्ट जजेस वाला कोलिजियम यहाँ पर काम करेगा, लेकिन उसके अलावा उनको उन दो हाई कोर्ट जजेस से भी कंसल्ट करना होगा. एक वो हाई कोर्ट जहाँ से जज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और एक जहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंड ट्रांसफर्ड टू. ठीक है, तो चार जजेस यहाँ से, दो ये, फिर एक CJI एंड देन फाइनली प्रेसिडेंट. तो ये पूरा एक लेयर चलेगा, तभी ट्रांसफ़र होगा. नाउ यू शुड बी अवेयर अबाउट इट. चलिए कुछ और टर्म्स हैं जैसे आपने सुने होंगे, जैसे एक्टिंग जज, रिटायर्ड जज, देन सुना होगा एडहॉक जज, एडिशनल एक्टिंग जज. ये सब क्या चीज़ें हैं, किसके लिए यूज़ होती हैं, ये हम सब कोशिश करेंगे कि हम यू नो एक वीडियो में समराइज करें. वॉट आई प्रेफर इसके एक्चुअली आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, क्योंकि ये सारे जो हैं वो इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, एक ही बार में समझना बेहतर होगा.
सो वट आई क्विकली डू इज कि इनको स्किप करते हुए इस वीडियो में एक छोटा सा और टॉपिक है, सीट एंड प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसको मैं यहाँ फिनिश कर देती हूँ एंड देन ऑल दोज टर्मिनोलॉजीज आई टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, तो एक साथ उसको ख़त्म कर लेंगे. तो जब हम बात करते हैं सीट एंड प्रोसीजर ऑफ कोर्ट, अब बात होती है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की. देन यू विल से कि सीट ऑफ हाई कोर्ट क्यों नहीं है भाई, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया सीट ऑफ हाई कोर्ट बिल्कुल है. बट आपको मैंने पहले ही वो एक लिस्ट दिखाई थी इन द वेरी फर्स्ट सेकेंड वीडियो मे बी इट वॉज वेर इन आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट कि ये हाई कोर्ट कहाँ लोकेटेड है और इसका सीट और प्रिंसिपल बेंच वगैरह सब कहाँ कैसे हैं. ठीक है, तो वो आपके बुक में भी दिया हुआ है कौन सा हाई कोर्ट का कब इवोल्यूशन हुआ, कैसे हुआ, कौन से ईयर में हुआ, सब कुछ आपको बता दिया है. तो इसलिए वो हाई कोर्ट वाला प्रोसेस अलग हो चुका है. हम बात कर रहे हैं सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की. कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दिल्ली होगी यानी दिल्ली होगा सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने एक और बात करी दैट इट ऑल्सो ऑथराइजेज द CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू अपॉइंट एनी अदर प्लेस और एनी अदर प्लेसेज एज द सीट. अगर उनको फॉर द कन्वीनियंस और फॉर एनी अदर इम्पॉर्टेंट रीज़न लगे कि किसी और जगह को भी सीट बनाना ज़रूरी हो सकता है तो वो वहाँ पर भी कर सकते हैं. ठीक है, एंड द डिसीजन्स विल हैपन ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. CJI का ही डिसीजन होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से पावर उनको मिल रही है, लेकिन अप्रूवल चाहिए प्रेसिडेंट का. अच्छा, ये वाला जो प्रोविज़न है कि आप किसी दूसरी जगह को भी सीट बना सकते हो, इट इज़ एन ऑप्शनल प्रोविज़न, विच मीन्स द CJI इज नॉट हैविंग एनी कंपल्सरी यू नो लाइक रूल और समथिंग गिवन बाई द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू सो. अगर उनको लगे कि करना है तो करें, नहीं करना है तो दिल्ली तो है ही, वहाँ से काम चल रहा है, तो अभी वही है प्रेजेंटली. वी डू नॉट हैव एनी अदर सीट. नो कोर्ट कैन गिव एनी डायरेक्शन ईदर टू द प्रेसिडेंट और टू द चीफ जस्टिस टू अपॉइंट एनी अदर प्लेस एज अ सीट. इस चीज़ को समझिए, सीट कोई और होगी कि नहीं होगी उस चीज़ को डिसाइड करने की अथॉरिटी CJI हैं एंड अप्रूवल फाइनली प्रेसिडेंट का लगेगा. लेकिन प्रेसिडेंट को या CJI को कोई भी दूसरा हाई कोर्ट ये नहीं बोलेगा, या कोई भी दूसरा कोर्ट, कोई भी कोर्ट नहीं बोलेगा कि आप इस सीट को सुप्रीम कोर्ट की सीट बना दो. ठीक है, वो काम है ही नहीं, वो आपको कोई भी डायरेक्शन देना ही नहीं है किसी दूसरे कोर्ट को. यहाँ से दो अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हैं, CJI और प्रेसिडेंट, और ये पावर आता है कॉन्स्टिट्यूशन से. बात खत्म. सो प्रेजेंटली वी हैव द सीट इन दिल्ली एंड इट वर्क्स अकॉर्डिंगली, बट देयर इज अ प्रोविजन. सो प्रीलिम्स में दे कैन आस्क यू, ठीक है, कि सीट दूसरी हो सकती है, तो आपको लगेगा कि नहीं दिल्ली है, दूसरी कैसे हो सकती है, ये तो नेशनल कैपिटल है, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड यू विल मार्क इट रॉन्ग. बट नो, द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग दैट पावर टू द CJI. ठीक है, तो ये आपको गलत नहीं करना है, यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट. एंड इफ आई जस्ट क्विकली शो यू वेयर इट इज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट यू नो वॉट वी आर डूइंग इट. सो इट इज़ गिवन इन आर्टिकल 130 विच सेज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सो द सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली और इन सच प्लेसेज और प्लेसेज एज द CJI मे विद द प्रेसिडेंट अप्रूवल फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट. द समरी ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव डन. ओके, नाउ वी मूव टू अनदर स्मॉलर सेक्शन विच इज़ ऑन द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, कि कैसे काम चलेगा. अब ये क्या है, ये प्रोसीजर की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या बोला जा रहा है. सबसे पहले तो जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है दैट द सुप्रीम कोर्ट, ये जो कहा जा रहा है दैट सुप्रीम कोर्ट कैन विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट अपने कोर्ट के रूल रेगुलेशन एटसेट्रा प्रोसीजर एटसेट्रा को के लिए रूल्स बिल्कुल बना सकती है विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, उसके अलावा जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं ना, दिस पॉइंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो अभी मैं मार्क कर रही हूँ. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और द रेफरेंस विच विल बी मेड बाई प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143, हम देखेंगे वो क्या है, इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है, इस आर्टिकल पे ही क्वेश्चन आया हुआ है, सो विल टॉक अबाउट इट. बट द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेज और द रेफरेंसेज विच द प्रेसिडेंट मेक्स अंडर आर्टिकल 143 आर डिसाइडेड बाई अ बेंच एटलीस्ट 5 जजेस का. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच टाइम एंड अगेन न्यूज़ में आता है, दैट ऑल्सो बिकम्स अ सेपरेट इशू, तो ये आपको समझना है. अच्छा देखिए, पहले क्या होता था, आपको अगर जस्ट क्विकली गोइंग बैक टू द टाइम, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में जब हमने बात करी थी सुप्रीम कोर्ट कब बना एटसेट्रा एटसेट्रा, तो हमने एक और चीज़ बात करी थी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ था कि CJI होंगे और 7 जजेस और होंगे.
बट पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो नंबर बढ़ा सकती है एज पर द नीड एंड यू नो डिमांड ऑफ द टाइम. तो आज तो बढ़ के हमारा प्रेजेंट स्ट्रेंथ चेंज हो चुका है, 33 जजेस प्लस 1 CJI 34. लेकिन जब शुरू में वो 7 जजेस थे ना, सब एक जगह पर ही बैठते थे. फिर चूंकि नंबर ऑफ जजेस बढ़ने लगे तो वो अकॉर्डिंगली ग्रुप्स में जो हैं वो अलग अलग जगह बैठने लगे. अलग अलग जगह मतलब अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग तरीके से. तो अब क्या बोला जा रहा है कि दो इंपॉर्टेंट केसेस में कम से कम 5 जजेस का बेंच, क्योंकि यूजुअली 5 से कम में काम हो जाएगा, 3 जजेस हैं तो काम हो जाएगा, ठीक है. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अगर मैटर्स है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल के चीज़ों से, क्योंकि कोर्ट के पास हर तरह का मैटर जाएगा ना, कुछ हो गया है जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड मैटर्स है, बट उसके अलावा भी तो बहुत तरह की चीज़ें होती हैं. PIL जाता है जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, वो हम बाद में देखेंगे. उसके अलावा कोई और मैटर हो गया, परिवार का कुछ है, यू नो सिविल का अलग जैसे होता है, क्रिमिनल का अलग होता है, मतलब बहुत तरह की चीज़ें. लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड मैटर्स है या फिर ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट रेफरेंस देते हैं, तो वो हम आर्टिकल 143 देखेंगे, तो यू विल गेट क्लैरिटी ऑन दैट. बट इन दोनों मैटर्स में जो जो बेंच एज इन ग्रुप ऑफ जजेस जो जजमेंट देंगे एंड हियरिंग करेंगे, वो एटलीस्ट 5 जजेस के होने चाहिए. इसलिए आपने जैसे सुना होगा केशवानंद भारती के सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट जिसको बोलते हैं, उसमें कितना था, आप कोई somebody can write in the comment section, you should know about it. उसमें अभी तक के जितने भी जजमेंट्स हुए हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस बैठे हैं उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में. सो यू शुड नो एटलीस्ट द टॉप 2. एक तो केशवानंद भारती था, एक अभी कुछ साल पहले रिसेंट केस हुआ है जिसमें सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस का बेंच बैठा है. तो ये दो आपको पता होना चाहिए. इट इज़ योर वर्क टू फाइंड इट आउट एंड प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल वेट फॉर सम डेज, अदरवाइज आई विल हेल्प यू आउट विद दिस. अच्छा, उसके अलावा क्या बोला जा रहा है, इन दोनों चीज़ों को छोड़ करके एक और चीज़ जो है वो क्लैरिटी दी जा रही है यहाँ पर, जो कि ये कहा जा रहा है कि और भी जो दूसरे केसेस होंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस तो ये सब तो हो गया, उसके अलावा जो अभी और अदर केसेस होंगे वो सिंगल जो है जजेस या फिर कोई डिवीजन बेंच है, जितना वो लोग डिसाइड करेंगे उतने नंबर ऑफ जजेस बैठ के डिसीजन ले लेंगे. उसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि अब प्रोसेस में जो है बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा ये साइड में ओपन कोर्ट जजमेंट की बात हो रही है, मेजर कोर्ट जजमेंट की बात हो रही है, ठीक है. उसके अलावा जो है कि जो डिसेंटिंग जजेस हैं, अब जैसे क्या होता है, मान लीजिए कि 5 जजेस का बेंच है, उसमें 4 ने एक चीज़ बोली, मान लीजिए 4:1 की मेजॉरिटी आ रही है, 4 जजेस ने एक चीज़ बोली तो मेजॉरिटी है तो वो फाइनल हो जाएगा. लेकिन एक जो फिफ्थ जज हैं जो कि डिसेंट कर रहे हैं, मतलब कि द पर्सन इज़ नॉट अग्रींग, तो उनका ओपिनियन जो होगा या उनकी जजमेंट होगी उसको भी बाहर रखा जाता है, इवन इफ इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फाइनल जजमेंट बिकॉज वो मेजॉरिटी नहीं है. लेकिन उनका ओपिनियन क्या था, बिकॉज यू नीड टू हैव बोथ द बैलेंस्ड पॉइंट्स नो, तो वो भी अलाउड है. तो वो सारी चीज़ें प्रोसीजर जुडिशरी अपना अपने हिसाब से रेगुलेट करती है, ठीक है. सो हियर आई एंड द डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. इन द नेक्स्ट वीडियो आई कीप डिस्कसिंग अबाउट दोज टर्मिनोलॉजीज लाइक एक्टिंग एंड हॉक एट्सेट्रा. सो होप यू गाइज आर एंजॉइंग द सेशन. टेक केयर टिल देन. बाय बाय.